दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल पूनम पांडे ने कुछ अपलोड किया, कुछ बातें कही और उसके बाद लोगों ने चीज मान ली कि उनका देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। बट अब जो चीजें हम देख रहे हैं, पूनम पांडे इज अलाइव और पूनम पांडे का एक वीडियो अब आता है सोशल मीडिया पर जिसमें पूनम पांडे कहती हैं यस आई एम अलाइव। HPV का जो बूस्टर शॉट होता है वो आप लोग ले लें, वैक्सीनेशन ले लें। मतलब भाई क्या ही चल रहा है ये। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों, एक चीज बहुत ज्यादा साफ है कि यार आप अपने मरने का प्रयास कर रहे हो जिसके बाद पूरा इंडिया कहीं ना कहीं ये चीज मान चुका है, चीज समझ चुका है कि पूनम पांडे इज नो मोर। और हर कोई, इवन चाहे वो आपके दोस्त हो, करीबी हो, मुनव्वर, शिवम, अली गोनी, मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर आपके लिए बातें कह रहे हैं और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। और आप अचानक से, मतलब चलिए भाई, वो तो भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि आप अभी तक हैं जिंदा और ये आपका प्रैंक था, थैंक गॉड। बट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रॉल वैद्य और काव्या पंजाबी, दो लोगों ने कहा भी था कि यार ये पूनम पांडे झूठ, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे प्रैंक करती है ना, वो ये प्रैंक हो गया ऐसा लग रहा है। और ये असलियत यही है कि प्रैंक है, पूनम पांडे इज अलाइव। पूनम पांडे ने भी एक वीडियो अपलोड किया सर्विकल कैंसर के अवेयरनेस के बारे में, उन्होंने ये पोस्ट अपलोड की थी। वैसे आपको बता दूं, ये कल इंडिया की बजट में, कल या परसों की बात है, ये इंडिया के बजट में सर्विकल कैंसर का जिक्र हुआ और उसके बाद पूनम पांडे ने ये प्रैंक किया। ये एक प्रैंक था दोस्तों। पूनम पांडे अभी तक जिंदा है। फिलहाल क्या राय है इस पर आप लोगों की जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।